गुड आफ्टरनून, मैं हूँ अभी मार्केट में। आज मैं मिलाती हूँ अपने गौजर के आपको कॉम्प्लेक्स में। तो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ, तो आपको दिखाएंगे पूरा जहाँ पे मैं हूँ। तो गाइज़ यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है पूरा, और यहाँ पे जूते वगैरह की शॉप है, फिर मेडिकल स्टोर, एंड आपको दिखाते हैं पूरा। तो दोस्तों आज यहाँ आना इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी मम्मी का जो फ़ोन था उसका जैक टूट गया था, तो उनको वही फ़ोन ठीक कराना है। तो बार बार मतलब 2-3 बार तोड़ दिया है, और फिर से यहाँ पे भी एक फ़ोन की शॉप खुल गई है, और ये भैया अच्छे से काम भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं आएँ और फिर से उसी फ़ोन पे जैक लगाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोनों के कवर भी बहुत सारे हैं, किसी को चाहिए होगा तो ले जा देना यहाँ आके, बहुत सारे कवर हैं वहाँ। रियलमी, ओप्पो, वीवो, जिस मौसम भी ठीक है, गर्मी भी काफ़ी होने लग गई है अब, क्योंकि एक आध दिन से बारिश भी नहीं आ रही है। और फिर से अंदर चलते हैं, क्या पता अभी लग गया हो जैक। तो दोस्तों मम्मी का फोन का जो है कि जैक टूट गया था, तो उसे बनाने के लिए आई थी यहाँ पे। तो मैंने आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के दर्शन भी। भैया आपके आटा छानने की छन्नी भी होगी? प्लास्टिक वो चाहिए जैसी भी, और एक नाइफ भी देना। ठीक है, चाकू नाइफ कौन सा वाला जो अच्छा सा कटे सब्जी है? बड़ा दे, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे में। नहीं छोटे में तो जमी बड़ा है, छोटे में नहीं है, यही है चाकू। ये ऐसा चाकू मर्डर नहीं करना किसी। ठीक, नहीं ये खुर दूर है ना, तो फिर इसी को दे दीजिए। ये वाला हो क्या? एक बोतल वगैरह होंगी पानी के लिए, बोतल वगैरह इस टाइप, इस टाइप, इस टाइप। छह का पैक मिलेगा उसमें? अकेले नहीं मिलती, सिंगल मिल जाएगी भाई। हाँ तो फिर इसी को दे दीजिए। अब कितने हुए, तीन हो गए? तो दोस्तों आए तो थे फ़ोन ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे किचन का सामान दिखा तो, जो कि लेना भी था, तो ये भी हो चुका है। तो अभी सामान लेके निकलते हैं अपने काम पे। मैंने वहाँ से एक चीज़ ली, मुझे कांच के बर्तन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं एक बार जब हमारे गौचर में मेला लगता है ना, तो मैंने वहाँ से जो है कि कांच की चीज़ें ली थी, जो कि 6 महीने बाद फूट गई थी। तो जब भी मैं कांच के सामान ले आती हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे ये बोलती कि मत लाया कर, क्योंकि फूट जाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कांच के बर्तन। तो इसलिए मेरी नज़र पड़ी एक प्यारे से लंबे गिलास पे, तो मैंने वाला गिलास लिया, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि वो मैं ले जाऊँ तो कभी फूटे ना, क्योंकि धोते समय कभी वो फिसल जाते हैं। तो क्योंकि कांच के बर्तन के साथ काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो देखते हैं वो कब तक बचता है। फिलहाल मुझे वो बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने वो एक ही लिया अपने लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें जूस वगैरह पीती हूँ, नींबू पानी वगैरह या चाय। तो आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा गिलास लिया। 80 का पड़ा मुझे एक, लेकिन मैंने कहा भैया को थोड़ा कम, तो 60 में दे दिया था उन्होंने। तो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैं फिलहाल
खाली हूँ तो इसलिए छोटा मोटा ब्लॉग वहीं पे थोड़ा शूट कर रही हूँ वरना। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फिलहाल यहाँ पर अभी काम नहीं है तो आपको मैं गिलास ही दिखा देती हूँ और मैंने क्या क्या लिया ये भी दिखाती हूँ। एक्चुअली आज फ़ोन ठीक करने के बहाने से शॉपिंग ही हो गई थोड़ी सी किचन की, तो दिखाते हैं आपको। मैंने इसको यूज़ में कर दिया ना, अब एक कैसा हो गया। फिलहाल मैंने ये वाली बोतल ली है कि ये मैंने इधर बैगी के साइड रख दी है। दूसरी वाली बोतल ये थी इसका पानी मैंने पी लिया तो मैंने इसको बैगी में रख दिया है। इसको निकालते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलो बच्चे बन गए, पूरा पन्नी वहीं से मिली मुझे। इसमें है वो वाला गिलास, इसी को दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर रखा है मैंने। पर यार ये तो भैया ने जो है कि टेप लगा रखा है इसमें, तो उसका उसमें तो लगा है टेप। मैं इसे खोलूँ कैसे? फिलहाल खोलेंगे इसको, मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट बाद। दोस्तों ये कुछ इसमें है, हमने इसे रैप अच्छे से करवाया क्योंकि ये कांच है, कहीं बैग में टूट ना जाता वरना बैग में पूरा कांच ही कांच लेके जाना था घर। इस तरीके से हमने इस कांच के गिलास को रैप किया था और अभी इसको भी खोलते हैं तब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ उसे। ये वाला गिलास लिया है मैंने, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लंबा सा एकदम जूस वूस पीने के लिए। सेलो ऐसा है जिस कंपनी का नाम, तो सेलो का ही गिलास लिया है मैंने। तो मुझे ना कांच के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे गिलास कम पैन रखने का ज़्यादा हो गए, तो ठीक है जूस वूस पीने के लिए जूस सही है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वाला गिलास? एक ही आटा छानने के लिए ये वाली छन्नी ली मैंने, येलो कलर की, ठीक है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम छन्नी लाने के सोच रहे थे लेकिन मेरा बाजार जा रही थी, बार बार भूल जा रही थी क्या लाना क्या लाना। और शॉप वहीं पे थी जहाँ पे फ़ोन की भी शॉप थी, तो जो है कि मुझे याद आ गया तो मैंने ये सब ले लिया आज। चलो एक पन दो का जो गए बट एक मैंने ये कपड़े लिए बर्तन पकड़ने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अपने किचन में जो है कि इतने गंदे कर दिए ना कपड़े, बार बार गंदे हो रहे हो, तो इसमें ठीक है ये एक 3 पीस हैं ये कॉटन के छोटे छोटे, तो मुझे ये भी ठीक लगा तो मैंने ये भी ले लिया। और एक मैंने लिया नाइफ, चाकू था ज़रूरी लेना क्योंकि जो छोटा वाला है बहुत ही छोटा था वाला, वो करवा टूटने लग गया तो इसलिए। अब बाकी मुझे इतना बड़ा भी नहीं चाहिए था ये, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा नहीं था, चलो ये भी ठीक है। रामपुरी चाकू तो नहीं है पर किसके पेट में घुसेगा तो उसको ऊपर ही भेज देगा। तो कुछ ये शॉपिंग भी आज किचन की, एक दो तीन चार और एक बोतल ये वाली 5, तो कुछ ऐसा रहा फ़िलहाल का दिन। और अभी करते हैं इसमें काम, अभी मेरा ब्रेक था लंच मैं आज गई नहीं क्योंकि मुझे फ़ोन ठीक करना था, तो मैं इसमें कर रही हूँ तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसको ऑफ करते हैं। तो गाइस छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।